हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? को सूचना मिल चुकी होगी कि जेएसएससी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है, और कैलेंडर आप सभी की उम्मीद के अनुसार ही है। जैसा आप उम्मीद कर रहे थे बिल्कुल वही मिला है जैसा आपको चाहिए था। बहुत से लोगों को मैं पहले ही बता चुका था कि भाई आपका क्लर्क का जो वैकेंसी है वो इस महीने में आपकी आ रही है, यानी अगस्त के महीने में आपकी आने वाली है। तो क्या क्या नया कैलेंडर जारी किया गया है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी को जानकर आश्चर्य होने वाला है क्या, तो जो आपका यहाँ पर डेट जारी किया जा जैसे आपका लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो जब जारी किया गया डेट एग्ज़ाम, वो डेट आपका एग्ज़ाम ये फुलफिल कर लिया गया है, इसी डेट में आपकी एग्ज़ाम हो रही है या कह सकते हैं हो चुकी है ना। और ये आपका अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका टीचर वाली की बात कर लें तो बेसिकली मैं बात करूंगा उन एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए कॉमन लड़की यानी सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल इंटर, सिंपल मैट्रिक पास करने वाले लड़के हैं, है ना। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो जो आपके लिए सबसे मोस्ट डिमांडिंग वाली जो पोस्ट है, ठीक है, जिसको आप जेएसएससी सीजीएल के नाम से जानते हैं, जेएसएससी सीजीएल वाली भर्ती जो है वो आपकी यहाँ पर दे दी गई है फिर से कैलेंडर। हालांकि इसमें फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है, फॉर्म फिल करने का डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर एग्जाम डेट की बात करिए तो आपका एग्जाम डेट वही है जो पहले से आपका तय किया गया है, ठीक है। 14 और 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा, और इसका रिजल्ट की बात अगर करें तो दिसंबर के महीने में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, है ना। ये मेन एक एग्जाम हो गया जो कि जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा आने वाला और एग्जाम की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो जिसमें आपका एक एग्जाम है जो कि बहुत सारे बच्चों के द्वारा डिमांडिंग है, उत्पाद सिपाही, ठीक है। तो आप सभी को पता है उत्पाद सिपाही पहले फिजिकल ले रही है, बाद में फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। पहले फिजिकल होगा, बाद में रिटेन एग्जाम होगा, ओके। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो ये एग्जाम यानी फिजिकल वाली जो है वो सितंबर में शुरू हो रही है और नवंबर तक चलेगी, यानी पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 महीने इसमें फिजिकल चलने वाली है। हो सकता है डेट आगे पीछे हो, एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन सितंबर के महीने में ये आपकी शुरू होने की संभावना है ना। तो 3 महीने यानी कि लगभग मान के चलते हैं कि 70 से 80 दिन जो है इसमें आपका फिजिकल चलेगा, क्योंकि लड़कों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर मिनिमम भी हम लोग बात करते हैं तो कम से कम 5 लाख तो लड़के इसमें होंगे ही होंगे, है ना। तो इतने लड़कों में आपको फाइट करना है, पहले फिजिकल उसके बाद रिटेन, है ना। और रिटेन का एग्जाम कब हो रहा है आपका, तो दिसंबर में हो रहा है, दिसंबर में भी कब, दूसरे सप्ताह में, ठीक है। और रिजल्ट कब आ जाएगा, तो जनवरी 2024 में इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में आपका टाइम नहीं है, क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ना भी है लड़कों को, और लड़कियों को कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर। लड़कों के लिए टाइमिंग कितना दी गया है, 1 आवर, और गर्ल्स के लिए कितना है, तो 40 मिनट। इतने टाइम में आपका रनिंग कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपका सिंपली मेडिकल होगा। मेडिकल आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो फिर आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई है ना। तो आपके पास टाइम नहीं है, तो जिन लोग दौड़ की तैयारी कर रहे हैं और अभी ही आपका लगभग 10 किलोमीटर का दौड़ हो जा रहा है टाइम के अंदर में, आप रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी शुरू कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले दौड़ लेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, आपके पास सिर्फ 30 दिन से 40 दिन टाइम बचेगा। 30 से 40 दिन में आप अपना एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए तैयारी आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है ताकि दौड़ भी आपका हो जाए और अच्छे तरीके से आप एग्जाम को भी निकाल लें, ताकि आप अपना एक सीट पक्का कर लें, है ना। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डिमांडिंग या सबसे ज्यादा वेट किया जाने वाला जो एग्जाम है उसके बारे में, और वो है हमारा जो पोस्ट नंबर 12 है, इंटरमीडिएट स्तर, ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन, जिसको नाम दिया गया है CKHT, या सिंपली आप कह सकते हैं क्लर्क वाली भर्ती, ठीक है। CKHT यानी कंप्यूटर नॉलेज नॉलेज एंड हिंदी टंकन यानी हिंदी टाइपिंग, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन मैं पिछले महीने वीडियो बना के बोल चुका था कि अगस्त के महीने में आने वाली है, और डेट भी आपका संभावित कब दिया गया है, अगस्त महीने का तीसरा, यानी कि कह सकते हैं 15 अगस्त के बाद और 25 अगस्त इस डेट के अंदर में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
एग्जाम कब होगा, जैसा कि मैंने संभावित कर दिया था कि नवंबर के महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा, और इसका रिजल्ट कब आएगा, तो जनवरी 2024 में। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना आपके पास टाइम होगा टाइपिंग को बेहतर करने के लिए। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक जितना आपको कर लेना है उतना जरूरी है, बाकी आपको टाइपिंग के लिए 3 महीने का जब टाइम मिलेगा तो उसमें टाइपिंग की स्पीड आप बढ़ाएंगे, है ना। उसके अलावा और अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा वैकेंसी यहाँ पे आने वाला है, तो और देख लो भाई, बहुत सारी वैकेंसी आपकी अगस्त में ही आने वाली है। अगस्त में और कौन कौन सा वैकेंसी आ रहा है वो देखते हैं। 3 वैकेंसी आपको याद रखना है, ठीक है। झारखंड स्नातक स्तरीय योग्यताधारी, है ना, तकनीकी रूप से यानी कि टेक्निकल पोस्ट आपका आने वाला है, ये भी अगस्त के इसी सप्ताह में आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, यानी दूसरे वीक में 15 अगस्त के बाद। अगला कौन सा है, महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया जाएगा, और अगस्त 2023 में भी ये आपका पोस्ट जारी कर दिया जाएगा, है ना। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, वो तो आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इसका तो सिलेबस आपका फिक्स है ना। क्या क्या है इसमें, कंप्यूटर से आपके 50 सवाल रहेंगे जो कि मैं आपको पूरा करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका झारखंड, झारखंड से 40 सवाल जो कि उदित सर आपको पूरा कर देंगे। ठीक है, और एक हो गया आपका जीएस, जीएस से कितना, 30 क्वेश्चन, जीएस से 30 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके अलावा पेपर 2 हो गया आपका, है ना, पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर होगा, और पेपर 1, पेपर 1 आपका बेसिकली क्या होगा, ग्रामर पोर्शन। ठीक है, जिसमें कि आपको पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी, इन चीजों को कंप्लीट कर लेना है। बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता है ना। 3 महीना 4 महीना आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सीजीएल क्लर्क, ये 2 एग्जाम आपका मेन है ना। अब जो ग्रेजुएट नहीं है उनका टारगेट क्या होना चाहिए, क्लर्क और एक्साइज कॉन्स्टेबल। ठीक है, बाकी जितने भी पोस्ट हैं वो सब लगभग टेक्निकल पोस्ट हैं, तो उनके बारे में बात हम लोग कभी फिर से कर लेंगे। फिलहाल आपके पास 3 एग्जाम है, इन 3 एग्जाम को आप बेहतर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना सके। ठीक है, इस पर विस्तार में वीडियो एक अलग से मिलेगा आपको, अगर आपकी डिमांड होगी तो, क्लर्क की तैयारी कैसे करें, सीजीएल को इतना कम टाइम में कैसे निकालें, ठीक है, फिजिकल कैसे होगा, एक्साइज कॉन्स्टेबल का कैसा कैसा रहता है प्रोसीजर, वो सारा चीज आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द ही आपसे नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।